दोनों ही टीम के कप्तान पहुंच चुके हैं। टेस्ट मैच की प्रक्रिया होने वाली कुछ ही क्षणों के उपरांत चल बोल हाँ दोस्तों, आज मैच देखने के लिए और कमेंट्री करने के लिए आए थे लखनपुर में। नाइट रात्रिकालीन टेनिस टूर्नामेंट हो रहा है, 3 दिवसीय है आज, जो कि 12 से 15 दिन चलेगा। तो आप देखे हैं पूरा, मैं पूरा व्यू दिखाऊंगा। वो शंकर भाई भी इधर लगे हुए हैं और पूरा मेरा यूट्यूब चैनल में देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके का प्रतिदिन का मनोरंजन देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहने, टॉस जीते हैं सर, और आज क्या कहना चाहेंगे कि रात्रिकालीन मैच हो रहा है उसके बारे में बताइए कि ऐसा कालीन जो मैच हो रहा है, प्रमाण भाई काफी शानदार आयोजन किया जा रहा है लखनपुर में। काफी दिनों के बाद ये टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है और हम लोगों ने टॉस जीता है। ये बैटिंग विकेट मानी जाती है, इसमें हम पहले बल्लेबाजी करने का इच्छा रखते हैं। अब देखिए कितना स्कोर हमारे बल्लेबाज खड़ा कर सकते हैं और एक अच्छा मुकाबला देखने के लिए दर्शकों को मिलेगा। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर यहाँ ग्राउंड पे कमेंट्री करने के लिए आए हुए हैं। पहली दफा 15 या 20 साल के बाद इतना भव्यता हो रहा है लखनपुर विकास खंड में। 5 साल के बाद हो रहा है तो क्या कर रहे हैं? जो नाइट मैच हुआ था वो 15 से 20 साल पहले ही हुआ था, उसका दोबारा नाइट मैच हुआ। अमित अग्रवाल और हमारे संकी भाई और बहुत योगदान है इस टूर्नामेंट। आने वाला समय में और भी भव्यता होगा, बहुत अच्छे अच्छे और टूर्नामेंट होने लखनपुर और सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल और फाइनल में तो और भी भव्यता रहेगा। लाइव टेलीकास्ट होगा सर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बधाई हो, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। क्षेत्र रक्षक मैच, पिछला मैच भी काफी रोमांच भरा था और आज का तीसरा मैच भी रोमांच से भरा होने की संभावना। अभी भी दर्शक मैच देखने के लिए आतुर, चारों तरफ दर्शक दीर्घा में। मैं कमेंटेटर जिसकी मांग है फरमान राजवाड़े। Yes, का हुआ यार? अंग्रेजी में कमेंट्री के लिए हमारे मंडल अध्यक्ष कांग्रेस कर रहे हैं और आपको देखा अंग्रेजी से अच्छा शॉट लॉन्ग ऑफ जो खेला एक रन पूरा कर दिया। अच्छी गेंदबाजी अभी तक दिख रही है पांगे के। इसी तरह अब बाएं हाथ के बल्लेबाज देखते हैं खतरनाक। चार गेंद पे 8 रनों की आवश्यकता, समझ बूझ की गेंदबाजी, बीच बीच में कुछ अलग हटके करना चाहेंगे गेंदबाज, तभी इस मैच में अपना पकड़ बना पाएंगे। रोमान से भरा ये मैच, 4 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता। अच्छी गेंद बीट कराने में सफलता, एक एक गेंद महत्वपूर्ण हो सकता। बल्लेबाज में भी काफी दबाव है कितने समय। पहले के बाद 6 रनों के लिए काफी लंबा ही 6 रन और जीत के लिए 2 रनों की आवश्यकता 2 बॉल पर। अगर मैच हो जाता है तो सुपर ओवर का भी प्रावधान है। गेंद को हमारे सहयोगी दर्शकों से आग्रह है कि फील्ड में एम्पायर के पास देखने का कृपया करेंगे। पीट कराने की आवश्यकता गेंदबाज को, अब बल्लेबाज को टीम आएगा से बाहर खेलने का प्रयास करेंगे संभवतः। अब देखते हैं गेंद को पास ले रखने फेंकते हुए फील्डर बचते हुए अचानक से पास था जिसे पेश देने के बजाय वो दूर है, लेकिन फील्डरों का बहुत ही घटिया प्रदर्शन इस प्रतियोगिता में इस तरह नहीं देखने को मिला है दर्शकों को, जिसे ये अंतिम में 2 गेंद पे 2 रन बनाना था और कैच था लॉग ऑफ की ओर
वहाँ पे खड़े खिलाड़ी ने गेंद से पीछा छुड़ाने के चक्कर में उससे दूर और भागते चले गए, जिसके कारण दो रन आसानी से पूरा कर लिया और पत्रा टोली ने शानदार रोमांचक मैच अपने जीत लिया। अगला मैच युवा कांग्रेस लखनपुर 11 और सब 11 के मध्य खेला जाएगा। गिरीश साहू जी मंडल अध्यक्ष जी से प्राप्त करें। बजाया जाए, काफी अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है। यहाँ पर मंच के पास आए हमारे आदरणीय दिनेश साहू मंडल अध्यक्ष जी से मोमेंटो भेंट करेंगे और कृष्णा से भी आग्रह है कि ये विश्वास जी इन्होंने शानदार गेंदबाजी किया, इन्होंने अपने टीम के लिए दो भर के छोटे महत्वपूर्ण 5 विकेट बैक फुट पर ढकेल दिया था पत्रा टोली के बल्लेबाजों को। काफी शानदार खेल का प्रदर्शन किया और कृष्णा जिन्होंने अपने पहली ओवर में पहली गेंद पर छक्का लगाया जिसमें उमेश वर्मा जी के सौजन्य से ₹101 नगद पुरस्कार दिया गया। बाएं हाथ के बल्लेबाज, दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय लखनपुर के साक्षरता मिनी स्टेडियम में रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता पंचायत स्तरीय चलता हुआ। फिर से अच्छी गेंद घूमकर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, संभवतः बैट और गेंद में संपर्क होता तो गेंद सीमा रेखा से बाहर। पिंकू अगली गेंद लेकर डिलीवरी की गेंद थी, बीट कराने में सफलता, समझदारी सूझबूझ का परिचय देते हुए गेंदबाज मंगई के रोमांच धीरे धीरे बढ़ता हुआ। अगली गेंद लेकर राइट ओवर द विकेट, फिर से गेंद हवा में, स्लिप पर खड़े खिलाड़ी गेंद को फील्ड किया बैट का और गौरव शर्मा जी यहां मंच पर आ जाए। अगली गेंद लेकर अच्छी गेंद बैट किया, काफी समझ बूझ की गेंदबाजी, दबाव बनाने में सफलता हुआ। इस ओवर में ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर है पत्रा टोली का 45 रन, 7 विकेट का पतन हो चुका है अभी तक। 6 ओवर की समाप्ति से 2 ओवर बचे हैं जिसमें रन बनाने हैं। हमारे स्कोरर अपरूप प्रधान जी बताएंगे शेष 12 गेंद में कितना रन बनाना है। 27 रन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी पत्रा को, जिन्होंने अभी आते हैं इनमें ही 2 गेंद पे 10 रन, 1 चौका और छक्का लगाकर दर्शा दिया है कि वह अच्छे बल्लेबाज है, टीम का रूप बदलने में सक्षम। बॉलर मुकेश दर्शन सामना करेंगे बलराम राइट ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, स्लो डिलीवरी की गेंद थी मुकेश दर्शन की, बलराम ने उसे फाइल लेकर ऊपर से खेलने का प्रयास किया, बीट हुए, प्रेशर पड़ता हुआ पत्रा टोली के बल्लेबाज और कप्तान बलराम के कंधों पे सारी जिम्मेदारी इस समय। अच्छी गेंद और 1 भी रन नहीं, 2 गेंद पे काफी सदी गेंदबाजी में समझबूझ का परिचय देते हुए गेंदबाज खेल दिया गेंद हवा में और देखते हैं कैच हो पाता है नहीं। और ये आज का तीसरा इस मैच का कैच छूटा, काफी महत्वपूर्ण कैच था, अगर बलराम का कैच पकड़ लिया होता तो मैच में पूरी तरह से गिरफ्त बन जाती महंगाई के, लेकिन एक आसान सा कैच गेंदबाजी में और हमारे बीच में आदरणीय मंडल अध्यक्ष श्री दिनेश साहू जी पधार चुके हैं, जोरदार
स्वागत अभिनंदन करते हैं कमेटी की ओर से। फिर से सेटअप पिच गेंद से पहले के ऊपर से 6 रनों के लिए, जिसके लिए काफी देर से प्रयास किया जा रहा था। मैं चाहूंगा कि वहां के दर्शक गेंद को थोड़ा सा ला दे, वहां खड़े थे। विनम्र आग्रह है कि गौरव शर्मा जी से आग्रह है कि यहां पर मंच के पास आ जाए। दूसरा गेंद से चालू करवाए, पैर महोदय से आग्रह, गेंद आ गई है। नमस्ते नमस्ते, कृपया करके गेंद को फील्ड में पहुंचाने का कृपया करेंगे। विश्वास अपेक्षा कर रहे हैं कमेटी उनका। पहली दफा 15 साल के बाद हो रहा है सर रात्रि कालीन हमारे लखनपुर में, क्या कहना चाहेंगे, कुछ कैसे माहौल लग रहा है? बहुत ही अच्छा जी जी, बहुत ही अच्छा लाजवाब है ना, हर साल होना भी चाहिए जी जी जी। इसमें प्रतिभावान खिलाड़ी को निखरने का मौका मिलता है। ठीक सर, बताइए सर लखनपुर में हो रहा है रात्रि कालीन इस टाइप का 15 साल के बाद, तो कुछ कहना चाहेंगे कि इस टाइप का मौका हर साल इसे और भव्यता के साथ हो, जिसे आने वाला हमारे लखनपुर संभाग या लखनपुर विकास खंड के अंतर्गत जो खिलाड़ी प्रतिभावान खिलाड़ी उसको भी इस टाइप का प्लेटफॉर्म मिलता है, काफी मौका, सुनहरा मौका मिलता है आगे निकलने के लिए, मतलब कि बहुत सुनहरा मौका है, उसके बारे में दो शब्द कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बराबर ऐसा मैच होना चाहिए जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है ना। और सबसे बड़ी बात है कि लोग दिन भर काम में फंसे रहते हैं, तो थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करने के लिए भी मनोरंजन के लिए आ जाते हैं। और सर ऐसे लग रहा है यार रात्रिकालीन मैच में इस टाइप का बड़ा मुकाबला हो रहा है, उसमें जो प्रतिभावान खिलाड़ी उसको अपॉर्चुनिटी मौका मिलता है ना, ऐसे होना चाहिए है ना। और जो नहीं खेलते हैं लेकिन बहुत लोग देखने का चाव रहता है ना, टाइम जैसे दिन भर थका हारा रहते हैं, काम में व्यस्त रहते हैं, इतना टाइम मिलता है तो आधा घंटा एक घंटा के लिए मनोरंजन आ जाता है, तो ये पहली दफा 15 साल या 20 साल के बाद हो रहा है हमारे, तो क्या कहना चाहें, कुछ कैसे माहौल लग रहा है? बहुत बढ़िया ये समय में कुछ और बोलना चाहेंगे दर्शकों को चैनल के माध्यम से? बाकी लोग भी आए, एंजॉय कर रहे हैं, क्राउड बढ़ा है। चलिए ठीक जी जी, एक दो तीन हम लोग हुए ना। यहाँ पर हमारे सर पब्लिक कैप के काफी, बताइए सर यहाँ पर जैसे कह सकते हैं हमारे लखनपुर में 15 साल के बाद हो रहा है, तो क्रिकेट में मतलब कुछ कहना चाहेंगे, मतलब इतना का टाइम थोड़ा सा आधा घंटा एक घंटा मनोरंजन के लिए लोग आते हैं, बहुत अच्छा मौका है, मतलब कुछ बोलना चाहेंगे सर? अच्छा हो रहा है, जो भी आयोजन यहाँ कराया जा रहा है, जिले कमेटी में जो भी है उसको मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और क्या होगा जिससे लोगों को उत्साह बढ़ेगा, कुछ लोग यहाँ दर्शक मैच देखने को पहुँचेंगे। आजकल तो मॉडर्न के तौर पर भी बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, अंबिकापुर में भी हो रहा है, लखनपुर में भी, तो बहुत अच्छा जो गांव अंचल के जो प्रतिभावान खिलाड़ी है टैलेंटेड उनको भी निखरने का मौका मिलेगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। महंगाई 11 के बीच जिसके मुख्य निर्णायक अमन तायल और टॉस का प्रक्रिया होता हुआ, टॉस जो क्वीन है नीचे गिर चुका है, देख रहे हैं हेड ही हेड है। महंगाई के कैप्टन ने 21 नंबर के जर्सी ने टॉस जीता है, और जीतने के बाद क्या निर्णय है बताएंगे।